हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक अजीब दास्तां स्टोरी में। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति एक अजीबोगरीब शर्त रख देती है अक्ष के सामने कि उसको अक्ष को श्रुति को सबके सामने प्रपोज करना पड़ेगा, जहां उसके मॉम डैड, अक्ष के मॉम डैड, उसके फ्रेंड्स, मतलब सब लोग मौजूद होंगे। अब दिक्कत तो प्रपोज करने की थी नहीं, दिक्कत तो इस बात की थी कि अक्ष अपने सास ससुर के सामने अपनी वाइफ को कैसे प्रपोज करें। और ये मैं बोल रही हूँ, बट अक्ष के मन में क्या चल रहा था कि वो अपने सास ससुर के सामने उनकी बेटी को कैसे प्रपोज करें। तो टेंशन का माहौल था और अक्ष का दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऊपर से सना से उनकी बहस हो गई तो सना भी उनका साथ नहीं दे रही थी। अब अक्ष बेचारे अकेले परेशान, बीवी पास ना आने दे, दोस्त यार जान नहीं छोड़ रहे थे, टेंशन से दिमाग खराब हो रहा था और हालत उनकी पस्त हुई जा रही थी। तो भाई, इश्क की डगर इतनी आसान नहीं होती, आग का दरिया होता है ये। महबूब वफादार हो तो भी आग का दरिया है, और महबूब बेवफा हो तब तो आग का दरिया है ही है। तो मोहब्बत तो वही आग का दरिया ही है। इम्तहान तो देने ही पड़ते हैं, चाहे दुख का दो चाहे सुख का दो। तो अक्ष के इम्तहान देने की बारी थी, जिसमें उन्हें एग्ज़ाम के सारे आंसर्स पता थे, क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर्स पता थे, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिखना कैसे है। विपता बड़ी थी, दिमाग ख़राब था। अब वो श्रुति के पीछे 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 घूमने लगे, श्रुति से कहने लगे, प्लीज़ यार सुन तो लो मेरी बात। हाँ, तो श्रुति कहती है, ओह प्लीज़ दूर रहिए ना, सोचिए आपको क्या करना है और कैसे करना है। हाय, मतलब मज़ा आ रहा है आपको ऐसे देख के। अक्ष कहते हैं, ठीक है बेटा, लेंगे बदला, लेंगे आपसे, बहुत अच्छे से लेंगे। कह रही, फिर आप मुझसे पंगा ले रहे हो। कहते, ना 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 ना, मैंने कोई पंगा वंगा नहीं लिया, किसने कहा मैंने पंगा लिया है आपसे, बिल्कुल नहीं जी, हमारा तो सर आपके आगे हमेशा झुका था, झुका है और झुका ही रहेगा, है ना। तो कहते हैं, उसी में आपकी भलाई है मिस्टर। तो ये कह के वो वहाँ से इतराते हुए चली जाती हैं। तो जाती हैं, तैयार होती हैं, टाइम बीतता जा रहा होता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। एक्चुअली आज अक्ष की मॉम का बर्थडे होता है, मतलब जिस दिन उन्होंने प्रपोज करने को कहा होता है श्रुति ने, उस दिन उनका बर्थडे होता है। तो उसी का एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान किया गया होता है, तो उसी पार्टी में श्रुति ने अक्ष को ये चैलेंज दिया होता है। अब अक्ष का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, तो वो बैठ जाते हैं चुपचाप। तो सब उनसे बोलते हैं, जाओ भाई तैयार हो लो, सब धीरे धीरे आने वाले होंगे। तो अक्ष कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ यार, मैंने नहीं तैयार होना, जाओ। तो अनायशा बोलती है, ये लोअर टी शर्ट में ऐसे ही बैठोगे तुम यहाँ, कि हाँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिसे तैयार होना है वो तो तैयार हो रही है ना, अच्छा कहर ढाके तो गई है, समझ ही नहीं आ रहा पहनूं क्या, या तो जाके कपड़े सिलेक्ट कर लूं और या फिर ये सिलेक्ट कर लूं कि उसका दिया हुआ चैलेंज पूरा कैसे करना है। तो अनायशा कहती है, इसीलिए कहते हैं ना बीवियों से पंगा नहीं लिया करते, ये बात तुम दोनों दोस्त जितनी अच्छी समझ जाओ जितनी जल्दी उतना ही अच्छा है, लेकिन तुम दोनों को तो समझना ही नहीं होता है ना कुछ, प्रॉब्लम तो सारी ये है।
सना कहती इसमें मैं कहाँ से आ गई, मैंने प्रपोज किया नहीं है तुम्हें। कहती बात प्रपोजल की नहीं हो रही जान, बात हो रही है बीवियों से पंगा लेने की, जो कि आप दोनों करते हो, मत किया करो, लास्ट वार्निंग है ये मेरी आपको। तो सना कहती अच्छा ठीक है ना, मैं कौन सा उसकी साइड हूँ, मैं तो उसकी साइड भी नहीं हूँ। तो अक्ष उसको ऐसे गुस्से से घूर के देखता है, खैर वो अपना दिमाग लगा रहे होते हैं कि क्या करें क्या करें, और थोड़ा श्रुति के पापा से उनकी बनती भी नहीं है, तो इसलिए उन्हें थोड़ी और घबराहट हो रही होती है कि क्या किया जाए कैसे किया जाए, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता बिल्कुल, क्या श्रुति के पापा के सामने कैसे उसको प्रपोज करूँगा, वैसे ही उनसे मेरी नहीं बनती है, हर वक्त मेरे अंदर कमियां निकालते रहते हैं, हर वक्त अपने पैसों का रौब जमाते रहते हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा अगर उन्होंने आज भी कुछ बोला ना तो आज मुझसे वो सुन लेंगे, मैं चुप रहती हूँ क्योंकि वो श्रुति के पापा हैं, इस वजह से मुझे उनकी इज्जत करनी पड़ती है, कोई और होता ना तो बताती मैं अच्छे से, क्या करें रिश्ते में ससुर जो ठहरे यार, क्या करें कैसे उनके सामने। खैर वो वहां से उठते हैं, कहते हैं यार एक बार और श्रुति से बात करके देखी जाए क्या, तो वहां से उठते हैं और श्रुति के पास जाते हैं। श्रुति तैयार होकर रूम से बाहर निकली रही होती हैं, तभी वो रूम के अंदर एंटर करते हैं और श्रुति को तो देखते ही रह जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे बोलें क्या। तो श्रुति हंस पड़ती है और अक्ष उनको बस देखते ही रहते हैं, उन्हें और कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए। तो श्रुति उन्हें बार बार रोक मतलब हिला रही होती हैं, दूर से मतलब इशारा कर रहे होते हैं कि सुनो भाई कहाँ खो गए हो आप, तो लेकिन अक्ष को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता उस टाइम पे, वो तो पूरी तरह उनकी खूबसूरती में गुम हो चुके होते हैं। तो श्रुति ने खुले पल्ले की साड़ी पहन रखी होती है रेड कलर की, बहुत खूबसूरत लग रही होती है, अक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और श्रुति पीछे होती रहती है। तो श्रुति उनको पकड़ती है और जोर से हिलाती है, कहती क्या हुआ है आपको, होश में आओ, क्या बात करने आए थे, मुझे देर हो रही है, मुझे नीचे जाना है, होश में भी आ जाओ। तो अक्ष कहते हैं कि आकाश के अब होश में हम आने ना पाए, आकाश के अब होश में हम आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, आकाश के अब होश में हम आने ना पाए। तो श्रुति को ऐसा कह के और हक करते हैं जोर से, तो श्रुति तुरंत उन्हें पीछे की तरफ करती है और कहते हैं मैं आपको चाहिए हाँ अपनी बाहों में हाँ, तो जनाब थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा हाँ। तो अक्ष कहते हैं बापू प्लीज इतना सितम ना करो हम। श्रुति कहते हाय ये तो मेरा हक है ना जान, सितम करना जुल्म करना कहर ढाना तड़पाना, हाय मजा आता है आपको तड़पाने में बहुत। तो अक्ष कहते हैं अच्छा, कहते हैं हाँ जब आप तड़पते हैं ना बड़ा मजा आता है। और जब आप मेरे लिए बहकते हैं इस तरह मुझे देख के आपके कदम आपका दिल आपकी जज्बात यूं बहकने लगते हैं ना तो कसम से बड़ा ही मजा आता है। तो अक्ष कहते हैं
जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा। तो शुद्धि का भी दिल उछाले मार रहा होता है, उसका भी दिल कंट्रोल से थोड़ा बाहर जा रहा होता है, लेकिन वो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करती है, कहती नहीं इतनी इजली मैं इन्हें मिल जाऊं ये हो नहीं सकता। और ये मुझे अपनी बातों में बहका ले, ये मैं होने नहीं दूंगी। तो ऐसे अपने मन में सोचती है और अक्ष को पीछे कर देती है एकदम, कहती है मुझे लेट हो रहा है, नीचे गेस्ट आ गए होंगे, पापा भी मम्मी भी आने वाले होंगे रास्ते में, फोन आ चुका है, ठीक है तो आप रेडी होके नीचे आ जाइए, मैं नीचे मिलती हूँ आपसे। और ये कह के वो ऐसे जाने लगती है और अपना जो आंचल होता है उसका वो ऐसे जोर से पीछे की तरफ करती है, तो अक्ष के फेस पर से होता हुआ निकलता है। अक्ष को तो ऐसा लगता है हाय किसी ने उसका कत्ल ही कर दिया वो आज। और वो बस इतना कहती है दोबारा कि हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, सरे आम लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। और ये क्या कि उनका हाथ पकड़ के जोर से टर्न करके अपनी तरफ खींचते हैं, तो श्रुति आके बिल्कुल उनकी बाहों में गिरते हैं, उनका सर उनके शोल्डर पे। तो अक्ष ने अपनी बाहों में जोर से पकड़ते हैं, कहते हैं कहाँ, हाँ कह रही मैंने आपको कुछ बोला था ना, ये आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो बार बार, मुझे क्यों इस तरह अपनी तरफ खींच रहे हो, ना मेरे पीछे आइए और ना मुझे इस तरह अपने पास खींचिए, समझ में आया आपको, हटिए दूर हटिए। अक्ष फिर से कहते हैं कि हद हो गई अक्ष की, माना जाना उन्हें पुकारा नहीं, पर मेरा साथ भी गवारा नहीं, हुस्न में बन के जल्दी हो तन के, वल्ला स्वभाव तुम्हारा नहीं। तो श्रुति थोड़ा शर्माने लगती है और उसके शर्मो हया उसके रुखसार से साफ साफ पता चल रही होती है। अक्ष को ये पता चल जाता है कि थोड़ा और एफर्ट डालेंगे तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, और श्रुति भी ये समझ चुकी होती है कि अगर थोड़ी देर वो उनके शिकंजे में और रही बाहों की तो वो सच में पिघल जाएगी और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और ये मुझे सबके सामने फिर प्रपोज भी नहीं करेंगे, तो मुझे इनके पास से जल्दी हटना पड़ेगा किसी भी हालत में। श्रुति वहाँ से उनको जोर से धक्का देती है पीछे और कहती है आप ना इसी धक्के के लायक ही हो, प्यार से तो आपको कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक है मैं जा रही हूँ और आप ना फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ, अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो अक्ष कहते हैं हाय गुस्सा तेरा बल्ला बल्ला नखरे तेरे उफ उफ। श्रुति कहती है मैं नहीं आने वाली आपकी बातों में, प्रपोज तो आपको करना ही पड़ेगा और हर हालत में करना पड़ेगा। अक्ष कहते हैं प्लीज़ समझा करो वो, हाँ प्लीज। अरे यारो उसने मल्लिका जाने जिगर जाने बहार, मौसम बहार जाने जिगर जाने बहार, गुले गुलजार मौसम बहार, मेरे दिल के करार थोड़ा तो समझा करो जान, कैसे सबके सामने आपको प्रपोज करेंगे हम, कैसे, कुछ तो समझो, कुछ तो शर्म हया रखो, शर्म की चादर को यूं ना हटाओ कि लोग हमें बेशर्म कहने पे आमादा हो जाएं, हाँ अगर ये शर्म की चादरें हटने लगी ना तो मोहब्बत का परचम कुछ इस कदर लहराएगा कि हर शख्स की जुबान पे सिर्फ बेशर्म लफ्ज आ जाएगा। तो श्रुति कहती है मंजूर है जनाब,
आप बस तैयारी कीजिए हमें प्रपोज करने की। तो वो कहती है, अब मैं जाती हूँ, कहती मैं कोई तैयार व्यार नहीं हो रही, फिर मैं ऐसी आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ तो मैं मेरी बात नहीं माननी। तो श्रुति कहती है, मोस्ट वेलकम, वैसे भी आप ऐसे रहो चाहे वैसे रहो, मुझे तो हर हाल में पसंद हो आप। वैसे भी इस टी शर्ट और लोअर में काफ़ी ड्रेसिंग लग रहे हो, हाँ माचो लुक। आ जाइए, ऐसे आ जाइए। शुभाक्ष कहते हैं, ओफ वो क्या करूँ मैं, इसको किसी चीज़ में राजी नहीं है। और वो जाने लगते हैं तो अक्ष कहते हैं, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। हाँ, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। श्रुति हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और अक्षमा बेचारे खड़े खड़े उसे बस देखते रह जाते हैं। खैर, धीरे धीरे वो नीचे पहुँचते हैं, श्रुति के पीछे पीछे सब लोग आ चुके होते हैं और केक वगैरह सब कुछ आ चुका होता है, मतलब पार्टी अपने जोरों शोरों पे होती है। ये लोग नीचे पहुँचते हैं, सब लोग आ चुके होते हैं, श्रुति अपने मम्मी पापा से मिल रही होती है, उसे बहुत खुशी मिल रही होती है उस दिन, और अपने फ्रेंड से मिलती है और अक्षा के एक साइड में चुपचाप खड़े होते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यार ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ये मम्मी का बर्थडे मेरी जान की आफत क्यों बन गई है। तभी वहाँ केक वेक कटता है, सबको खिलाया जाता है केक वगैरह, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग ऐसे म्यूजिकल वो होता है ना, वो जिसमें पिलो पास करते हैं, तो वो वाला चलने लगता है, कुछ अंताक्षरी टाइप, वो कुछ अलग ही गेम होता है कि पिलो जिसके पास रुकेगा उसे सॉन्ग गाना पड़ेगा, एक म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक बंद किया जाएगा, पिलो जिसके हाथ में होगा उसे वो सॉन्ग गाना पड़ेगा, लेकिन वो गेम से आउट नहीं होगा। बस ये था कि गेम से कोई भी आउट नहीं होगा। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो अक्ष के पापा के पास पिलो रुकती है और अक्ष के पापा अक्ष की मॉम के लिए गाना गाते हैं कि वो सॉन्ग उनके लिए डेडिकेट करते हैं कि तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। तो सब लोग भाई तालियां बजाते हैं। तो भाई बात ही ऐसी होती है, फिर स्टार्ट हो जाता है गेम और धीरे धीरे करके सब पे रुकने लगता है और फिर उनके ससुर जी पे रुकता है, मतलब कि अक्ष के ससुर जी पे रुकता है पिलो। अब उनको तो बड़ी परेशानी हो रही होती है क्योंकि उनका तो नेचर व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग होता है। खैर, बहुत फोर्स किया जाता है तो वो भी एक सॉन्ग गाते हैं, तो सॉन्ग कुछ इस तरीके से होता है कि अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हाँ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अब तब तक अक्ष सीटी मार देते हैं जोर से, उनके ससुर जी उन्हें ऐसे घूर के देखते हैं तो थोड़ा साइड हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं बिल्कुल। तो सबको हंसी आती है और सना कहती है, तू पिटेगी मुझे लग रहा है। तो कहती है, यार मैं क्या करूं, सो पहली बार उनको इतना रोमांटिक अंदाज में मैंने देखा है, तो मेरी क्या गलती है इसमें।
तब तक अक्ष की मॉम बोलते हैं कि श्रुति कुछ नाश्ता ले आओ, यहाँ पे खेलते रहेंगे और खाते रहेंगे। तो वो लेने उठती हैं तो अक्ष कहते हैं कि मैं हेल्प करा देती हूँ। तो ये कह के वो श्रुति के पास जाते हैं। तो श्रुति ने कहती है नहीं नहीं थैंक यू सो मच, मैं खुद कर लूँगी, ठीक है मैं खुद कर लूँगी। और ये कह के वो जाने लगते हैं। तभी जो है अनायशा बोलती है अच्छा एक राउंड और खेल लो फिर लेके आते हैं, फिर हम दोनों ही जाते हैं लेके आते हैं। तो वो एक राउंड और खेला जाता है। तो इस बार अक्ष के पास आके वो पिलो रुक जाता है। तो अक्ष को बोला जाता है भाई गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। वो गा ही नहीं रहे होते, उन्हें शर्म आ रही होती है भाई वहाँ सब बैठे होते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं गा रहे होते, चुपचाप हो रहे होते हैं। और श्रुति इरिटेट होती है तो वो वहाँ से उठ के उनका गुस्से से ऐसे देखती है और उठ के जाने लगती है। और इशारे में बोल के जाती है कि मैं ना पास आने दूंगी ना मैं बात करूंगी। तो अक्ष मजबूर हो जाते हैं और सब उन्हें बहुत फोर्स करते हैं। तो भाई वो गाना गाते हैं कि एक चीज कयामत सी है लोगों से सुना करते थे, एक चीज कयामत भी है लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे, है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी भला का जादू, है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी भला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। और ये कह के वो उठ के श्रुति की मॉम के पास जाके बैठते हैं और उनकी तरफ देख के कहते हैं तारीफ करूं क्या आपकी आपने उसे बनाया। तो श्रुति की जो मॉम होती है वो अक्ष के ऐसे शोल्डर पे मारती हैं, कहते हैं बहुत शैतान हो। तो कहते हैं क्या करें आपकी बेटी का असर बढ़ता जा रहा है सासू माँ। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है श्रुति की मॉम को कि अक्ष ने फर्स्ट टाइम इस तरीके से मतलब बात की है, क्योंकि पहली बार उन्होंने शादी से अब तक इतना खुल के और थोड़ा सा मजाकिया तौर पे बात की होती है, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो भाई श्रुति को थोड़ा सा अच्छा लगता है लेकिन बात तो अभी भी वहीं आके रुक जाती है कि अभी तक प्यार का इजहार नहीं किया गया है। तो श्रुति बोलते हैं कि इजहारे मोहब्बत इशारे से और लिप सिंक करके। तो अक्ष समझ जाते हैं कि ये ऐसे मानेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन करूं क्या, प्रॉब्लम तो ये है कि करूं तो करूं क्या मैं। तो देखते हैं दोस्तों कल के एपिसोड में, ये म्यूजिकल एपिसोड कल भी जारी रहेगा और देखते हैं कैसे हमारे अक्ष श्रुति को प्रपोज करते हैं। ये तो देखने लायक है वाकई, कुछ लोगों को टिप्स भी मिल जाएगी शायद गाने गाने में अपने दिल की बातें, वैसे सॉन्ग्स तो होते ही अपनी दिल की बात कहने के लिए। बाकी चलो देखते हैं कैसे प्रपोज किया जाता है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो श्रुति की तारीफ करके अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है अक्ष ने, बट श्रुति को तो वाकई उनके मुंह से यही सुनना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं वो इजहार है मोहब्बत, ये तो कल देखते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।